हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट में ऐसे एक ऐसा बिजनेस है कंसाइनमेंट कि जिसमें एक व्यक्ति यानी ओनर या फिर प्रोड्यूसर अपना नया माल बेचने के लिए एक व्यक्ति को अपॉइंट करता है, उसे हम कहते हैं कंसाइनी या फिर एजेंट। तो वो व्यक्ति को कहा जाता है कि माल सप्लाई किया जाएगा और आपको माल कंज्यूमर को बेचना है, आपको कमीशन मिलेगा। इस बेसिस पे ही एक कंसाइनमेंट बिजनेस चलता है। तो इसमें दो तरह के जर्नल एंट्रीज बनानी पड़ती है और अकाउंट बनाना पड़ता है। एक तो पहला है कंसाइनर जो प्रोड्यूसर है, उसके बुक्स में जर्नल एंट्रीज एंड अकाउंट बनाना पड़ता है। दूसरी बात है कंसाइनी जो कि जिसे हम एजेंट कहते हैं, उसके भी बुक्स में एंट्री बनानी पड़ती है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर यानी कि प्रोड्यूसर। तो सबसे पहले गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। इस बिजनेस में जो भी कुछ माल भेजता है, भेजा जाता है कंसाइनी को, तो वो यूनिट में होता है और उसकी प्राइस डिसाइड ऑलरेडी हो जाती है। एक यूनिट के हिसाब से 100 यूनिट, 200 यूनिट, 500 यूनिट ऐसे भेजा जाता है। तो उसकी एंट्री जो है वो कंसाइनर किस तरह से करेगा? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ये एंट्री हम कर रहे हैं कंसाइनर के बुक में। किसके बुक में? कंसाइनर के बुक में। आइए देखते हैं सेकंड, एक्सपेंसेस मेड ऑन कंसाइनमेंट सेट। जब कंसाइनर अपना यूनिट्स माल कुछ भेजता है कंसाइनी को, तब वो कुछ खर्चा करता है। तब जो कुछ भी खर्चा करता है वो खर्चा होता है चेक से बाय थ्रू द बैंक। तो उसकी एंट्री किस तरह से बनेगी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये खर्चे की एंट्री हो गई। उसके बाद देखते हैं एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी। जब कंसाइनी यानी कि एजेंट जब गुड्स रिसीव्ड करता है, तब वो रिसीव्ड करने के बाद भी उसको ट्रैवलिंग का खर्चा होता है। उसके बाद उसे हम कहेंगे ट्रांसपोर्ट, या फिर उसके बाद हम कहेंगे कुछ टैक्स पे करने पड़ते हैं। तो जो कुछ भी खर्चा एक कंसाइनी करता है, कंसाइनी यानी कि एजेंट, उसे हम क्या, उसकी एंट्री हम किस तरह से करेंगे कंसाइनर की बुक में? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, गुड्स सेल बाय कंसाइनी। कंसाइनर कंसाइनी को माल भेजता है, 100 यूनिट भेजता है, उसमें से 40-50 यूनिट जो कुछ भी बेच देता है, उसकी एंट्री भी या उसकी इंफॉर्मेशन कंसाइनर को देता है। कंसाइनर अपने बुक्स में वो लिख देता है। तो उसकी एंट्री किस तरह से होंगी? कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। याद रखना ये सेल की एंट्री है, सेल मेड बाय द कंसाइनी, बट इट इज जर्नलाइज्ड एंट्री बाय द कंसाइनर। द एंट्री इज कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। नेक्स्ट, अनसोल्ड स्टॉक। अनसोल्ड यानी कि नॉट सोल्ड स्टॉक, नॉट सोल्ड स्टॉक, जो कुछ भी किसी भी वस्तु के जितने यूनिट्स भेजे जाते हैं शुरुआत में, उसके कुछ यूनिट सेल होते हैं, कुछ नहीं होते। 100 भेजे तो 40 हो गए सेल, बाकी 60 बचे। तो जो कुछ भी सेल नहीं होते उसकी एंट्री भी करनी पड़ती है। किसके बुक में? जर्नल कंसाइनर के बुक में। तो आइए उसकी एंट्री क्या देते हैं, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। उसके बाद कमीशन टू कंसाइनी, नेक्स्ट एंट्री। ये पहले ही एग्रीमेंट में हो जाता है कि कंसाइनी को जो कुछ भी माल यूनिट्स सेल करेगा कंसाइनी, उसको क्या मिलेगा? कमीशन मिलेगा। उसको सैलरी नहीं मिलती, उसको मिलती है कमीशन ऑन द सेलिंग ऑफ गुड्स एज पर द प्राइस। तो उसकी एंट्री भी किसमें की जाती है? कंसाइनर के बुक में। उसकी एंट्री क्या होगी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट।
उसके बाद हम देखेंगे नंबर 7 बिल्स रिसीव्ड एडवांस। बिल्स रिसीव्ड एडवांस यानी कि कुछ इस तरह का तरीका है कि मान लीजिए कंसाइनर ने पर्सन ए ने कंसाइनी को पर्सन बी को 100 यूनिट भेजे जिनकी टोटल वैल्यू है 1,00,000 रुपए। तो वो क्या करता है कि कंसाइनी पहले ही 50,000 भेज देता है, वो भी किस में? बिल्स में। अगर मान लीजिए कैश में उसने भेज दिया तो वो क्या होता है कि कैश अकाउंट डायरेक्टली हम डेबिट करेंगे, कंसाइनी अकाउंट क्रेडिट करेंगे। पर अगर वो बिल्स भेजता है तो बिल्स की तो मैच्योरिटी होती है 3 महीने की और उसके ऊपर 3-4 दिन और। तो ये बिल्स रिसीव्ड एंड एडवांस, सिर्फ बिल्स की एंट्री जो है वो हमें इस तरह से करनी है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। ऐसे कोई एग्जांपल होते हैं उसमें बिल्स रिसीव्ड का कुछ भी मेंशन नहीं किया जाता, तो उसकी इसमें एंट्री लिखने की कोई जरूरत नहीं। आइए देखते हैं नेक्स्ट, बिल्स सर्विड ऑन मैच्योरिटी। बिल्स की डेट होती है 90 दिन की और 90 दिन के बाद मैच्योर हो जाता है। मान लीजिए कि 90 दिन के पहले ही उसको विड्रॉ करना है तो क्या हो जाएगा कि उसकी जो प्रॉपर वैल्यू है और प्रॉपर वैल्यू में से 10% 15% कट जाएंगे या फिर 30% तो वो कटने से अच्छा ऑन द मैच्योरिटी डेट पे वो रिलीज किया जाए या फिर विड्रॉ किया जाए। तो जब भी वो विड्रॉ किया जाएगा तो वो क्या होगा उसकी एंट्री वो पैसा या फिर उसकी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बिल सबमिट ऑन मैच्योरिटी बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। तो आज के लिए इतना ही। आप अगर एग्जांपल देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आप देख सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे एग्जांपल के लिंक है वो आप देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही।